ओम सहना भवतु सहनो भुनाक्तु सहवीरयं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विशावहै ओम स्वस्ति 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 स्वामी न्यूज़ के आज के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस सत्र को हम एक्यूप्रेशर योग के साथ एक्यूप्रेशर का भी हमें ज्ञान हो जाए एक्यूप्रेशर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बहुत सारे दर्शकों के फोन आते रहते हैं और एसएमएस भी मैसेज भी आते रहते हैं चैनल पर भी मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी तो एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं यूरे जितने हार्ट के पेशेंट्स हैं जितने डायबिटीज के हैं जितने ब्लड प्रेशर के हैं ये सब अपने अपने संबंधित एक्यूप्रेशर बिंदुओं को पूछते रहते हैं तो आप सबको मैं आज के कार्यक्रम में एक्यूप्रेशर के ही कुछ नियमों को कुछ बिंदुओं को आज बताएंगे बताऊंगा आज ये हमारा विशेष सत्र है सोमवार को रविवार को शनिवार को हफ्ते में तीन से चार दिन हमारा विशेष सत्र होता है तो हमारे पैरों में हमारे ही आरोग्य के लिए परमात्मा ने कुछ मर्म बिंदु दे रखे हैं मेरेडियम कुछ लोग इनको कहते हैं तो हमारा जो पैर है बाया पैर अब इस बाएं पैर में हम देख लेते हैं कि हमारे को आज कुछ पांच सात बिंदु ऐसे महत्वपूर्ण हम जान लेते हैं जो हमें बहुत काम आने वाले हैं मैं थोड़ा और पास में आकर के आपको दिखा रहा हूं यह का विशेष सत्र है आप सब इसको शेयर कीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और इस बहुत महत्वपूर्ण सत्र के साथ आपके रोज करने योग्य भी हैं हमारा जो पैर का ये पूरा भाग है निचला जिसको हम तलवा कहते हैं इस तलवे में बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं उन बिंदुओं को यदि हम प्रतिदिन दबाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य हमारे को मिलता है आज सबसे ज्यादा बहुतायत में एक रोग बहुत पनप रहा है जिसका नाम थायराइड है तो ये आप देख पा रहे हैं ये अंगूठे के ठीक नीचे की तरफ वाला इतना फूला हुआ भाग है इतना बड़ा भाग है जिसमें परमपिता परमात्मा ने एक रेखा बना करके इसको पूरा अलग कर दिया विभाजित कर दिया है इसी प्रकार से हाथ में भी है लगभग इतना इतना भाग थायराइड के पार्ट का है थायराइड पैराथायराइड बहुत मतलब जिसको हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपर हो किसी भी प्रकार का थायराइड हो आपको इन बिंदुओं से विशेष लाभ मिलेगा साधारण सामान्य सा नहीं आपको सबसे पहले अपने अंगूठों को ये देखना पड़ेगा कि अंगूठों के नाखून नहीं।, नहीं कटे हुए तो काट करके ऐसा कर लेंगे तभी आप एक, कर पाएंगे तभी आप मर्म चिकित्सा के बिंदुओं को दे पाएंगे ये रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं जैसे लाइट जलाते हैं तो बटन दबाते हैं हर बार ट्यूबलाइट पर नहीं लगाते हैं हर बार क्या करते हैं बटन दबाते हैं रिफ्लेक्स पॉइंट दबाते हैं उसका और अपने आप उससे प्रकाश उत्पन्न होता है इसी प्रकार से हमारे हाथों और पैरों में कुछ मर्म बिंदु चिकित्सा के बिंदु होते हैं इनको दबाया जाए रिफ्लेक्स पॉइंट्स कहलाते हैं तो थायराइड को ठीक करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो कौन सा है वो ये है कि इतने इतने पार्ट के इसको आप अंगूठे की टिप से दबाएं ठीक ढंग से इसको दबाएं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सपोर्ट दे करके आप इसको दबा सकते हैं पेन पेंसिल के पिछले भाग से दबा सकते हैं थायराइड वालों को बहुत लाभ होने वाला है अगर आप रोज इन बिंदुओं को दबाएंगे तो योग का अपना जगह स्थान है प्राकृतिक चिकित्सा योग एक्यूप्रेशर और यज्ञ ये सब हम आपके सामने लेकर के आते हैं योग यज्ञ प्राकृतिक चिकित्सा जिसमें एक, एक एक्यूप्रेशर ये चार तीन से चार चीजें हमारे इस कार्यक्रम में रहती है और तो इस हमारे कार्यक्रम का नाम है योग व स्वास्थ्य ये थायराइड के बिंदुओं को दबा रहे हुए हैं इनको आपको रोज तीन से चार मिनट दबाना है पचास से सौ बार अच्छे ढंग से दबेगा और केवल दबाना नहीं है दबा करके आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएं भी अभी तो मैंने दबाया दबाने के बाद आप इसको पकड़ करके क्लॉकवाइज ही घुमाएं भी फिर दूसरे बिंदु को यू क्लॉकवाइज घुमाए घड़ी की दिशा में घुमाए गोल गोल घुमाए इस तरह से यदि करेंगे दूसरे हाथ से भी। दूसरे तरफ भी ये थायराइड के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर का जिसको हम रिफ्लेक्स पॉइंट कहते हैं वो है इसी प्रकार से दूसरे पैर में भी आपको इसी बिंदु को ऐसे ही दबाना है पहले अच्छे ढंग से इनको सब जगह से दबा दिया जाए पूरे फुले विभाग को स्वामी न्यूज का लाइव एंड एक्सक्लूसिव सत्र है।, केवल लाइव नहीं है, भी है ये दूसरे स्थान पर कहीं पर नहीं चलता हुआ केवल स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर चल, चलता हुआ मिलेगा और कल यही कार्यक्रम हमारा यूट्यूब पर प्रातः काल साढ़े प्रातः काल सात बजे प्रसारित होगा तो इस तरह से ये का रिफ्लेक्स है थायराइड नामक रोग का हाइपो हो चाहे हाइपर अब इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। फिर थोड़ा नीचे फिर दाएं फिर बाएं थोड़ा ऊपर इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा थायराइड नामक रोग में लाभ होना शुरू होगा फायदा होना शुरू होगा जिनकी 25 फाइव एम जी की अथवा फिफ्टी एम जी की गोलियां चल रही है लंबे समय तक आप इसको करें फिर उज्जाई और सिंहासन भी करें गले को टाइट करके श्वास भरे आवाज करते वैसे ऐसे रोक लेंगे पांच से दस सेकंड रोक करके राइट को बंद करें और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे इस प्रकार से यदि हम प्रतिदिन करेंगे उज्जयी का अभ्यास कम से कम पंद्रह बीस बार पंद्रह बीस बार से शुरू करना है शुरुआत आप तीन से चार बार से शुरू करें और फिर उसके बाद सात आठ दस बार तक करें और ये हफ्ते भर में तो पंद्रह बीस बार पे आ जाएगा फिर सिंहासन करना चाहिए श्वास भर के आगा। 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 तो गले की मसाज कर लेनी है। लीजिए हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड और बड़ा कष्टकारी समस्या हो गई बहुतों के लिए हो और जीवन ही दवाइयों से युक्त तो हो गया शुरू सुबह सुबह हो रही है और सुबह ही दवाइयां ले तो ऐसा ना कम से कम आप योग से इन एक्यूप्रेशर की क्रियाओं से ठीक होने का प्रयास करें ऐसी प्रकार से हाथ में भी होगा पैर में आपको जब ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना ये पैर में होते हैं कई सारे लोगों के सवाल होते हैं मेरे लोगों के ये सवाल होते हैं कि ये बिंदु हम कब दबाएं भोजन करने के बाद की 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 भोजन करने के के पहले पहले सोने सोने से बाद बहुत सारे सवाल होते हैं तो मैं इन सभी सवालों का एक ही बार में रिप्लाई दे रहा हूँ वो क्या रिप्लाई है वो रिप्लाई ये है कि आप कभी भी इसको दबा सकते हैं भोजन के तत्काल बाद भी दबा सकते हैं लेकिन तत्काल बाद का मतलब आधे घंटे बाद होता है आधे घंटे बाद ही दबाएं ऐसे नहीं कि आप तुरंत भोजन करने के तुरंत बाद ही इसको करें नींद से उठने के तुरंत बाद ही करें नहीं थोड़ी देर नॉर्मल होने देवी शरीर को एक साधारण सी प्रक्रिया के अंदर ढलने देवे उसके बाद रात्रि को सोने के समय में भी कर सकते हैं और प्रातः काल खाली पेट भी कर सकते हैं और दिन में अधिकतम दो बार करना है इसी प्रकार से हाथों में यही थायराइड का बिंदु है आज आपको पेट की गैस से संबंधित यूरिन से संबंधित और हार्ट और लिवर और डायबिटीज वालों को इनको और हाई ब्लड प्रेशर वालों इनको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में अब हम हाथ में थायराइड के बिंदु जान रहे हैं हाथ में कहाँ पर होते हैं तो अंगूठा यहाँ खत्म हुआ यहाँ पर अंगूठे की हड्डी अंतिम भाग और उसके बाद यहाँ से ये यह थायराइड का बिंदु शुरू हो गया ये बड़ी स्क्रीन पर आप इसको देखें बड़ी टेलीविजन में आप इसको कनेक्ट कर लेंगे स्मार्ट टीवी में उसके बाद इसको देखेंगे तो और अच्छे ढंग से स्पष्ट हो जाएगा आपके कई बार मोबाइल की स्क्रीन में स्पष्टता से नहीं दिखता ऐसे करें आजकल तो स्मार्ट टीवी का चलन बढ़ गया है ऑनलाइन में चल जाता है यूट्यूब फेसबुक आदि सब कुछ चल जाता है बड़ी स्मार्ट टीवी में आप चलाएंगे और स्पष्टता से आएगा ये आजकल मोबाइल भी बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले आने लगे तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे और अच्छे ढंग से समझ में आएगा ये अंगूठे का नाखून कटा हुआ है अंगूठे के ठीक अंतिम हड्डी के ठीक बाद में इस फूले हुए भाग को यूं दबाएं और पीछे सपोर्ट देवे उंगलियों का और दबाने के बाद केवल दबाए नहीं इसको घुमाए भी ये कैसे घुमाएं? क्लॉकवाइज घुमाए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घड़ी की सुई की दिशा में जैसे घड़ी घूमती है की सुई घूमती है एक से लेकर बारह तक इस प्रकार से ऐसे ये थायराइड का बिंदु हो गया अब चलते हैं गैस पास नहीं हो पा रही तो गैस पास नहीं हो पा रही तो हमारे इस थायराइड बिंदु के ठीक पास में ये एक लाइन है इस लाइन पर हम अपनी ये दो उंगलियां यूं लगाएं और ऐसे दबाएं अंगूठे तो का सपोर्ट पीछे और गैस पास नहीं हो पा रही तो क्या हो तो उसके लिए ये दबाएं और अच्छे ढंग से इसको प्रेशर देने प्रेशर देंगे ये गैस जिनको ज़्यादा हो रहा है अब वो कैसे ठीक हो तुरंत रिलीज कैसे हो जाए तुरंत ही बाहर निकलने लगे पवन मुक्तासन से एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं से और पिंडलियों को दबाने से पिंडलियों को जरूर दबाया जाए ये पिंडलियाँ हमारी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पेट के स्वास्थ्य को ठीक करने में ये हड्डी और इस हड्डी के ठीक साइड में थोड़ा सा यूं दबाया जाए और यहां से दबाने के बाद फिर पिंडलियों को भी दबाया जाए अभी पेट टाइट हो रहा है अभी के अभी दबा के देखो अभी के अभी आपका पेट नरम होने लगेगा ये पिंडली का ये प्रेशर देंगे ऐसे ही दूसरी पिंडली में भी दूसरे पैर में भी काफ मसल को ऐसे प्रेस करें हड्डी के पहले साइड में थोड़ा थोड़ा दबाए और फिर ऐसे अच्छे ढंग से पिंडलियों को ये दबाए पहले भी सेवाएं होती थी ना जब बुजुर्गों की तब पिंडलियां दबाई जाती थी तो पिंडलियां दबानी चाहिए अपने आप की स्वयं सेवा करो स्वावलंबी बने किसी की सेवा के भरोसे नहीं रहना चाहिए क्योंकि जमाना बहुत सेवा भाव से जो युक्त था अब वो विपरीत होने लगा है तो इस तरह से हमारे पेट को अच्छा रखने के लिए गैस की प्रॉब्लम को और पेट को नरम रखने के लिए इन सब के लिए हमने अभी गैस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन सब के लिए अभी हमने ये किया अब ये केवल एक बार नहीं करना ये तीन से चार मिनट करना एक टांग में पिंडली में और फिर तीन से चार मिनट दूसरी में तुरंत ही आप पेट को हाथ लगा के देखेंगे इतना नरम दिखेगा और गैस भी धीरे धीरे पास होने लगेगी आपको कुछ अलग से चीज लेने की जरूरत नहीं है अनइजी जो लग रहा है तुरंत ही आपको इजीनेस लगेगी अब चलते हैं हम लेफ्ट पैर में थोड़ा देखते हैं फिर से लेफ्ट तलवे की तरफ हार्ट का एक पॉइंट जिनको बीपी की प्रॉब्लम है हार्ट रेट पल्स रेट की समस्या है और जिनका ऑपरेशन हो चुका है अथवा ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया है जिनके ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है तो हमारे हार्ट का जो बिंदु रिफ्लेक्स है वो है यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना जरा ये बीचों बीच है पैर का ये मध्य बिंदु है इससे थोड़ा ऊपर और फिर थोड़ा इधर यहाँ पर हार्ट का रिफ्लेक्स पॉइंट होता है इसको यूं दबाएं और फिर यूं क्लॉकवाइज चलाएं और फिर रिलैक्स कर दें छोड़ देंगे फिर दबाएं, फिर क्लॉकवाइज चलाएं। दस बार प्रतिदिन करें जो हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वे भी और जो नहीं जूझ रहे हैं स्वस्थ व्यक्तियां अगर वे भी कर लेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम आएगी नहीं अपने पास एक्यूप्रेशर का नियमित अभ्यास करने से हम फिट रहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर समथिंग इज बेटर देन नथिंग कुछ करें कुछ नहीं की अपेक्षा ऐसे दबाएं इसका पॉइंट केवल आपके लेफ्ट वाले पैर में ही है राइट right में नहीं है लेफ्ट हैंड में भी इसका पॉइंट है ये बीच का बिंदु और बीच के बिंदु से थोड़ा ऊपर और थोड़ा साइड में यानी यानी कि इस दोनों उंगलियों के ठीक नीचे जो रेखा जा रही है यहाँ पर मध्य में यहाँ दबाए यह हार्ट का रिफ्लेक्स पॉइंट है हृदय का प्रतिबिंब केंद्र है इसको दबाने से हृदय मजबूत बनता है स्ट्रॉन्ग बनता है और उसकी जो समस्याएं हैं वे धीरे धीरे इंजेक्शन इन्फेक्शन जो है प्रॉब्लम जो दूर हो जाती है तुरंत ही अगर हार्ट की तरफ कोई गैस हो रही होती डकार आकर के बाहर निकल जाती है हार्ट में भी गैस एसिडिटी का प्रभाव चढ़ जाता है किडनी की प्रॉब्लम बच्चों के बैड बैटिंग की प्रॉब्लम तो वो यूरेट युरेतर से यूरेथ्रा और यूरिनरी यु, यु, ब्लैडर से संबंधित है तो वे कैसे मजबूत हों बचपन में उंगली दिखाते थे ना आज भी स्कूल में दिखाते हैं यूरिन के लिए इसी उंगली को दिखाया जाता है तो यूरिन के ही इसमें पॉइंट है तो पैर में दबा रहे हैं तो पैर में दबाएं तो ऐसा दबा तो एक ही पॉइंट है पैर में यहाँ नीचे और एक ही पॉइंट है ऊपर यानी कि इस पैर को भी दबाना है तो यहाँ से ये वाली अनखून के ठीक नीचे से मध्य से दबा देना लेकिन हाथ की बात की जाए तो हाथ में इसके तीन पॉइंट है एक तो ये वाला पूरी तरह से इसको दबा दिया जाए ठीक है ये यूरिन की जितनी भी प्रॉब्लम है चाहे प्रोस्टेट बढ़ने के कारण से रात को बहुत बार उठना पड़ता है या बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं मूत्र त्याग करके उन लोगों को भी बेड वैटिंग के लिए भी बहुत उपयोगी जो है ये बिंदु है आज का ये योग व स्वास्थ्य का विशेष कार्यक्रम स्वामी न्यूज अजमेर के प्रत्येक दिन के प्रातः काल के लाइव में आज हम एक्यूप्रेशर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता रहे हैं जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं या जो बीमार बार बार मूत्र त्याग कर देते हैं अपनी शैया में बिस्तर में बिस्तर गीला कर देते हैं जो बीमार भी बुजुर्ग भी उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनके लिए सबके लिए है तो ऐसे अंतिम इस अंगुली इसको आप दबाए और उसके बाद दूसरा बिंदु देखते हैं ये वाला जो, जो जोड़ है पहला वाला जहां से ये मुड़ रहा है इस जोड़ पर नीचे सपोर्ट देकर के इसको दबाए कितनी कितनी बार दबाए कितना प्रेशर देवें कई सवाल होते हैं तो पंद्रह पंद्रह बीस बीस बार दबाए या दो से तीन मिनट दबाए पंद्रह बीस बार भी इतना यूं दबा के छोड़ना नहीं है ये दबाए फिर डीलाज फिर दबाए कोशिश करें राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट यानि कि गोल गोल चक्र बनाते हुए ऐसे गोल गोल यानी पूरा एक राउंड काटते हुए कई कई राउंड काटे दस दस पंद्रह पंद्रह बार ऐसे ही ऊपर यहाँ से देखें ये उंगली का पहला जोड़ इसके ठीक ऊपर यहाँ दबा रहे हैं पंद्रह बीस पच्चीस पचास बार और फिर ठीक ये वाला पार्ट है इसके ठीक बीचों बीच दबा रहे ऐसे दबाएं एक्यूप्रेशर के बिंदुओं से भी स्वास्थ्य मिलता है प्रतिदिन दबाने से और कुछ को ऐसे इमरजेंसी के पॉइंट होते हैं जब कोई जहर चढ़ जाए कोई सांप काट ले भी छू काट ले इमरजेंसी हो गई तो कैसे उससे बचा जाए तो उसके भी कुछ बिंदु होते हैं तो अभी तो हम यूरिन यूरे यूरिन से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने के लिए इन कुछ बिंदुओं को जान रहे हैं दूसरा बिंदु पहला तो हमने दबाया ये वाला ठीक है इसको हम ऐसे देख लेते हैं दबाए जितना सहन कर सके उतना दबाए और उसके बाद दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं तो ये पहले जोड़ पर ही है ऐसे दबाए कई सारे नौजवानों को मैंने देखा है पानी तो बहुत थोड़ा सा पीते हैं लेकिन कई बार मूत्र त्याग के लिए कई बार यूरिन के लिए जाते हैं कई बार जाते हैं तो उन लोगों को भी बड़ा उपयोगी है यह है बिंदु तो ये इसके अलावा अब चलते हैं किडनी के पॉइंट पर अगर कोई सा भी आपने एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाया और लास्ट में किडनी का नहीं दबाया तो क्रिस्टल्स कहाँ से निकलेंगे यूरिन के थ्रू ही निकलते हैं गंदगी तो वो कैसे निकलेंगे आपने यूँ गोल गोल घुमाया तो सही ऑर्गन की तरफ उसके डिसऑर्डर्स गए भी लेकिन वो डिसऑर्डर निकलने भी तो है क्रिस्टल्स के रूप में वो निकलने हैं यूरिन के थ्रू मूत्र के माध्यम से अब अपने को किडनी का एक बिंदु होता है वो यहाँ बीचों बीच थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ यहाँ होता है वैसे तो ये बीचों बीच के थोड़ा नीचे की तरफ दबा देना चाहिए यहाँ से ये उंगलियों की तरफ तो वैसे हार्ट आदि का बिंदु जाता है लेकिन कुछ कुछ एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ ऐसा कहते भी हैं कि ये ऊपर और थोड़ा नीचे लेकिन हम इसको मानते हैं बिल्कुल मध्य में और फिर थोड़ा सा उसके और नीचे यहाँ दबा देना चाहिए ये किडनी का पॉइंट है जितने भी एक्यूप्रेशर के आप पॉइंट दबा रहे हैं अंत में किडनी के रिफ्लेक्स पॉइंट को दबाना ना भूलें ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है और कि ये किडनी का पॉइंट दोनों तरफ होता है ऐसे ही पैर में भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो एक्यूप्रेशर के इन बिंदुओं का पूरा लाभ नहीं होता जब तक आप किडनी के बिंदु को अंत में नहीं दबाते ये बीचों बीच और ठीक इसके थोड़ा नीचे यहाँ किडनी का रिफ्लेक्स पॉइंट है नाखून नहीं होने चाहिए नाखून से दबाएंगे तो नाखून चुप जाएगा और पॉइंट भी ठीक ढंग से प्रेस नहीं होगा और फिर इसको क्लॉकवाइज यू अच्छे ढंग से क्लॉक वाइज यू पूरा दबाए पूरा चलाए दबा करके क्लॉक वाइज प्रेशर ये इस तरह से आपको दबाना चाहिए किसी के छींक छींक से छीक की बहुत समस्या है की। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम यदि है तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम केवल लेफ्ट हैंड में आपको दबाना है इस कलाई के इस तरफ यहां पर तीन बिंदु हैं एक दो और तीन, तीनों को अच्छे ढंग से आप इसको प्रेस करें एक दो तुरंत हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगेगा और पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी है इसका स्नान कराया जाए पानी की धार मग्गे में भर के पानी को और इसकी धार अपनी रीढ़ की हड्डी पर डालेंगे तो तुरंत ही बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर जो है वो तुरंत ही ठीक होने लगेगा तुरंत आपको इंजेक्शन की तरह से काम करेगा ये एक ये बिंदु काम करेंगे कि ये सारे जितने बिंदु हैं चारों ऊपर साइनस के पॉइंट हैं ये वाले काम करेंगे ये और ये पांचवा अंगूठे का ऊपर नीचे थोड़ा दाएं बाएं इस तरह से यूं दबा देंगे और उसके अलावा रीढ़ की हड्डी का स्नान करें ठंडे जल की धार बना करके अपनी रीढ़ की हड्डी पर डालेंगे इसको मेरुदंड का स्नान कहते हैं ये भी तुरंत ही हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ले आता है आपको इमरजेंसी में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेशेंट को तो ये आपके लिए और प्रतिदिन आप लौकी का जूस पिए तो आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा हार्ट अच्छा रहेगा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों भी कंट्रोल रहेंगे ये चार चीजों में लौकी का जूस बड़ा अच्छा काम करता है जिनके एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है जिनको मोटापा घटाना है वे भी लोग लौकी का जूस प्रतिदिन पिए निश्चित रूप से उन सब के लिए लौकी का जूस अमृत तुल्य साबित होगा लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए ध्यान रखना अब हम चलते हैं कुछ सर्वाइकल के कुछ बिंदुओं को देखने के लिए तो सर्वाइकल का पॉइंट जो होता है वो होता है ये वाला सर्वाइकल ये अंगूठा इसके ठीक पास में ये जो जा रही है ये पूरी रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी स्पाइनल वर्टिब्रा है और इसमें वर्टिब्रिज होते हैं थर्टी थ्री तैंतीस होते हैं तो साथ होते हैं हमारे सर्वाइकल में तो सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस की किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो ऊपर ऊपर के ये दबाने चाहिए दबाते हुए चलाते रहे दबाते रहे चलाते रहे कोशिश करें दबाते यहां पर गोल गोल नहीं घुमाना यहाँ पर तो दबाते जाए आगे चलते जाए दबाते जाए आगे चलते जाए किस तरह से दबाए और अच्छे ढंग से दबाए टिप से दबाए टॉप से दबाए ऐसे ही इधर से भी ऐसे पैर में भी ऐसी प्रकार से दबेगा पैर में भी आपको अंगूठे उंगू, के ठीक लगते हुए ऐसे प्रेशर देना है अब चलते हैं छींक छींक की बहुत समस्याएं और मिर्गी यदि किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम है एपिलेप्सी जिसको कहते हैं और छींक की एलर्जी सुबह उठते ही छींकते रहते हैं जब देखो छींकते रहते हैं जब देखो छींकते रहते हैं तो छींक की बहुत समस्या जब हो गई हो तब एक बिंदु हमारे बीच हमारे को पता होना चाहिए वो कौन सा है वो बिंदु है हम दोनों हमारे नाक और हमारे होठो के ठीक मध्य में यहाँ भी कई सारे बिंदु हैं एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है ये नहीं हमारे यहाँ मध्य में इस बिंदु को नहीं दबाए खूब अच्छा प्रेशर देवे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं फिर छोड़ में फिर दूसरी बार फिर प्रेशर देंगे फिर छोड़ दे में ढीला फिर से प्रेशर देंगे फिर ढीला छोड़ देंगे ऐसे दबाते रहे लगातार दबाते रहे फिर ढीला छोड़ देंगे फिर से दबाए फिर से दबाए ऐसे दस बार से लेकर पंद्रह बार तक दबाना है दस बार से पंद्रह बार तक आप ये छींक की समस्या में पहले ही दिन से आराम पड़ जाएगा पहले ही दिन से किसी के बार बार सुबह उठते ही छींक आ रही है नहाने के बाद छींक आ रही है ये क्या है ये बहुत बढ़िया पॉइंट है चलिए नेक्स्ट सेकेंड इसी के बाद ये फर्स्ट पॉइंट था सेकेंड पॉइंट में आते हैं ये नाक का फूला हुआ भाग इस फूले हुए ठीक भाग से थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का सा फूला हुआ भाग भी कवर होगा है ना और थोड़ा सा नीचे का भाग भी कवर होगा इन दोनों को यूं दबाएंगे ये दबा इधर ने दबाना अंदर की तरफ दबाना ये दबा करके ये अंदर प्रेस करना ये अंदर प्रेस करना ऐसे चला नाक की सभी प्रकार की एलर्जीज़ दूर हो जाएंगी सभी प्रकार की नाक की कमजोरी एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे आना ये सब दूर होते चले जाएंगे यदि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं को नियमित रूप से हमने किया नियमित रूप से तो एक्यूप्रेशर का यह अभ्यास हम एक बार फिर नाक के बिंदुओं को देखते बीचों बीच आपको यूं दबाना है मिर्गी का दौरा जो किसी को आता है आए दिन मिर्गी परेशान कर रही है या जिसको आ चुका है उसका भी तत्काल यदि शांत करना है तो आप इसके इस बिंदु पर दबाव देंगे और नाक की जो एलर्जी है जिसमें छींके बहुत आती है नहाने के बाद आती है रात को सोने से पहले आती है ठंडी हवा में जाने के बाद आती है धूल भरी स्थिति में जाने के बाद आ रही है या फिर सुबह उठ उठते ही व्यक्ति छींकता जाता है तो ये सब छींके बंद हो जाएंगे अगर हमारा ये बिंदु दबेगा और ये दोनों फूले हुए भागों का ठीक ठीक नीचे का पार्ट यहाँ पर दबाएंगे या उंगली से दबाएंगे तो नाक की एलर्जी जिनका नाक हमेशा बंद रहता है जिनको ठीक ढंग से श्वास नहीं आ पा रहा उनकी आवाज तक उनकी नाक से निकल गई तो इसीलिए उन सब समस्या में उनको आराम मिल जाएगा यही अंतिम बिंदु डायबिटीज की बात आज का बिंदु अंतिम है जो डायबिटीज का है कल हम सिर के दर्द के माइग्रेन के पॉइंट्स बताने वाले हैं तो कल का सत्र अति विशेष रहेगा एक्यूप्रेशर की दृष्टि से भी योग की क्रियाएं भी कराएंगे कल और एक्यूप्रेशर भी बताएंगे साथ में अब हम चलते हैं हमारे डायबिटीज जो कि बहुत सारे लोगों को है उन डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो हो हार्ट का पॉइंट जरूर दबाना हार्ट का पॉइंट मैंने बताया था इसको दबाना फिर लास्ट में किडनी का दबाना इस तरह से आपको दबाना ही है और रही डायबिटीज की बात तो पेन क्रियास की बात चल रही है तो पेन क्रियास का बिंदु यहाँ से दबाते जाए ये दबाते जाए ऐसे ही पैर में भी लगभग इसी स्थान पर हमारा पेन क्रियास का बिंदु होता है पेट का भाग जो होता है पेट के उधर के अंदर ये पेनक्रियास छोटी आंत बड़ी आंत लिवर ये सब हमारे अंदर स्प्लेन आदि पेट में होता है उधर गुहा में होता है तो उधर यह गुहा में पेन क्रियास का जो भाग है वो यहाँ से पूरा बीच का सा आप पूरी ही लाइन दबा देंगे तो अन्य अन्य अंग भी प्रभावित होंगे और अन्य अन्य अंगों के भी बिंदु दबते दबते उन सब को स्वस्थ बना देंगे तो पेन क्रियास जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं बीटा सेल्स और ग्लूकोज का जिसका मुख्य कार्य होता है तो इस प्रकार से आज हमने एक्यूप्रेशर के इस विशेष सत्र को जाना और भस्त्री का प्राणायाम प्रतिदिन करें भस्त्री का प्राणायाम तो रोज करना आपके अंदर ऊर्जा का संचय होने लगेगा और धीरे धीरे करना बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना सभी लोग रिलैक्स होकर के करना आंखें बंद करके करना श्वास पूरा भर के श्वास पूरा बाहर छोड़ने के ढाई सेकेंड में तीन सेकेंड में भरा ढाई से तीन सेकेंड में इसको बाहर छोड़ा जाता है प्रयास करें जितनी देर में भरा आपने उतनी देर में इसको बाहर छोड़ें चलेंगे करेंगे कितनी देर करना है तो पांच मिनट करना है कितने श्वास करने हैं यदि मिनट के हिसाब से ना देखा जाए तो पचास श्वास ऐसे विचारों के साथ करनी है कि उन विचारों को रखें कि हमारी मनोदैहिक चिकित्सा साथ साथ होती चली जाए हमारे श्वास भीतर भरने से हमारे भीतर आरोग्य हमारे भीतर बल का संचार हो रहा है हमारे भीतर उत्साह बढ़ रहा है हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ रही है हमारे भीतर शरीर में शक्ति बढ़ रही है ये सब हमारे अंदर इस के साथ जा रहा है और बाहर निकल रही है तो हमारे भीतर के सारे दोष चाहे मानसिक हो चाहे बौद्धिक हो चाहे आत्मिक हो और चाहे शारीरिक दोष हो ये रोगों के रूप में हमारे शरीर में आ चुके हैं ये सब भीतर से बाहर निकल रहे हैं विजातीय द्रव्यों के रूप में बाहर निकल रहे हैं सारे अशुद्धियों के रूप में बाहर निकल रहा है ऐसे विचारों के साथ करें निश्चित रूप से हमारा मनोदैहिक चिकित्सा होने लगेगी और जब मन अच्छा प्रसन्न हो जाएगा तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे आनंदित होकर करे प्रसन्नता पूर्वक करे मेरे भीतर प्रसन्नता आनंद उत्साह संतोष एकाग्रता शांति ऐसे गुणों का विकास हो रहा है जब श्वास भर रहे हैं बहुत गहरा भर लेने जो युवा हैं, नौजवान हैं, जो बच्चे हैं और जो बड़े भी हैं जो अपने आप को ऊर्जान्वित, अच्छा शक्तिशाली महसूस करते हैं थोड़ा स्वस्थ महसूस करते हैं वे लोग श्वास को भर के अंदर रोक लेवे इनसे जिनके दर्द हो रखे हैं, उनके दर्दों में भी आराम आएगा जो अभ्यंतर प्राणायाम करते हैं कैसे करना अंदर रोक लेना जितना श्वास अंदर भर सकते हैं पूरा भरे और अंदर रोक ले जितनी शक्ति आपके भीतर है उतनी देर रोके सामर्थ्य का बल का प्रयोग करें प्राणायाम में बल से बल बढ़ता है प्रेम से प्रेम शक्ति से शक्ति आनंद से आनंद और मीठी वाणी से अच्छे आचरण से ये इन्हीं की वृद्धि होती है और श्वास बाहर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे ऐसे पूरे रोज आपको अभ्यंतर प्राणायाम भस्त्री का प्राणायाम इन सब का अभ्यास करते करते शरीर के भीतर स्ट्रेंथ बनने लगेगी और जब स्ट्रेंथ बनने लगेगी तो रोग हमारे शरीर को दुखी नहीं कर पाएंगे ग्रस्त त्रस्त नहीं कर पाएंगे तो आज के इस योग के एक्यूप्रेशर के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं आप सभी स्वामी न्यूज के काफी दर्शकों ने हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देखा है आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करते हुए स्वामी चैनल का स्वामी टीम का स्वामी की टेक्निकल टीम का और स्वामी परिवार का बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता धन्यवाद प्रकट करते हुए शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे शांति 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 सर्वेभ्यो नमः तो कल के कार्यक्रम में हम एक्यूप्रेशर के और भी कई सारे बिंदुओं को माइग्रेन के बिंदुओं को और कई सारे जब जहर चढ़ जाए तो तत्काल कैसे जहर को रोका जाता है और कैसे चढ़ने से रोका जाता है कैसे प्राणों की रक्षा की जाती है कैसे सिर दर्द को ठीक किया जाता है अपने ही हाथ और पैरों में बने हुए बिंदुओं को दबाने से एक्यूप्रेशर का यह विशेष अभ्यास कल भी जानेंगे कल फिर योग के इस लाइव सत्र में एक्क्युप्रेशर के इस लाइव सत्र में कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप करें योग रहें निरोग अच्छे विचारों अच्छी दिनचर्या अपने जीभ पर संयम रखें बोलने के संबंध में भी और खाने के संबंध में भी नहीं तो ये 5 इंच की जीभ 5 फीट से भी ज्यादा बड़े शरीर को परेशान कर सकती है इस बात का विचार करें कि हमारी जिह्वा पर संयम नहीं होगा हमारी रसने पर संयम नहीं हो, होगा और हमारी पर संयम नहीं होगा तो हम सदा प्रसन्न नहीं रह सकते हम सदा सुखी नहीं रह सकते हमारी इंद्रियों पर संयम नहीं होगा तो हमारा शरीर और हमारा मन सब कुछ कष्ट में आ जाएगा दुखी हो जाएगा इसीलिए आप अपनी समस्त इंद्रियों पर भी संयम रखेंगे तब रख पाएंगे जब प्रतिदिन योग की क्रियाओं को करेंगे आज के लिए इतना ही ओम शम